डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टोन की ड्रेसिंग, क्योरिंग एंड उसके यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम लोगों ने जो फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया था। हम लोग लेक्चर सिक्स के अंदर आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा टेस्टिंग ऑफ स्टोन का। लेक्चर फर्स्ट, टेस्टिंग ऑफ स्टोन फर्स्ट, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्टोन होता है, स्टोन की हम लोगों ने उसका ओरिजिन देख लिया कि मिलता कहाँ से है स्टोन, हमें सोर्स क्या होते हैं जैसे स्टोन के, वो देखे हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने उसका जैसे ही क्योरिंग प्रोसेस के बाद उसको निकाला जाता है तो फिर ड्रेसिंग प्रोसेस देखी। ड्रेसिंग प्रोसेस के बाद उस पर हम लोगों ने उसके यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो सीखेंगे वो ये देखेंगे कि स्टोन जो होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के स्टोन होते हैं, और वो जो वैरायटी होती हैं स्टोन की, उनमें क्या होता है कि आपको अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, टेक्सचर, हर टाइप का स्टोन दिखेगा। बट उस उन स्टोन्स को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, किस स्टोन का कहाँ यूज होता है, इसको हम उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड और फिर देखते हैं उसकी टेस्टिंग के रिजल्ट बेस्ड। तो आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो आउटलाइन है हमारी, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इस टॉपिक में आप क्या सीखेंगे आज, फिर टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स रहेगी, फिर कुछ एक्सरसाइज रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो रिलेटेड टू टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, फिर रेफरेंसेस रहेंगे। ये सारी आउटलाइन हम देखेंगे। देखिए यहाँ इसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स में आप देख रहे हैं कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे कि टेस्टिंग प्रोसेस, अगर किसी भी स्टोन की टेस्ट करना है हमें, तो उसकी टेस्टिंग प्रोसेस कैसे की जाती है, होती क्या है, कैसे, किस मशीनरी का यूज होता है, क्या आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर उसमें ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि कई सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं जो आपको ध्यान में रख के ही टेस्टिंग करनी होती है, काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, कई सारी मशीनरी होती है, कई सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे और पूरा का पूरा उसके बारे में समझेंगे टेस्टिंग में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में टेस्टिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर आपको टेस्टिंग आता है तभी आप एक्चुअली यूज कर पाएंगे मटेरियल का, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं या जिस मटेरियल को आपको रियल साइट पर यूज करना है, आफ्टर टेस्टिंग ही उसको प्लेस कर सकते हैं वहाँ पर, बिफोर टेस्टिंग मटेरियल प्लेस नहीं कर सकते हैं। कोई सा भी मटेरियल लें आप यहाँ स्टोन पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीमेंट, ब्रेक, मोर्टार, टिम्बर, कोई भी मटेरियल हो, आप उसकी टेस्टिंग ही पहले करेंगे, देन उसको आप यूजफुल समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर लायक यूजफुल है या नहीं। फिर हम उसके देखेंगे आज, हर एक टेस्ट पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोन होंगे उसकी टेस्टिंग करने के बाद उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं, अलग अलग उनका परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज होती है कि, बट होता क्या है कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद हमें कुछ बेसिक, जो बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो चाहिए होती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर पर लोडिंग आ रही होती है, अगर आप उसको लोडिंग, जहाँ पर लोड आ रहा हो वहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो लोड आता है तो लोड को रेजिस्ट करने लायक होना चाहिए, देन वो मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा दिन तक चलने वाला होना चाहिए। ये बेसिकली ये चीज़ देखी जाती है।
तो टेस्टिंग ऑफ स्टोन पर हम आज चलते हैं सीधा, कि जो स्टोन होता है, स्टोन की हम कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं, और उस टेस्टिंग के बाद ही हम उसको कहीं पर यूजफुल समझते हैं। जिस प्लेस पे आपको, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करना है, उस साइट पर आप उसको लगाएंगे या नहीं, ये टेस्टिंग के बाद ही डिसाइड होता है। जब तक टेस्टिंग नहीं होती है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको इस साइट पर यूज करना है या नहीं। नो डाउट बहुत अच्छा स्टोन है कोई हमारे पास, कोई कितना भी अच्छा स्टोन बोले, बट जब तक हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक क्या होता है कि आप बिल्कुल भी उसको यूजफुल नहीं समझेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और आपको ध्यान रखनी होती है। टेस्टिंग इसी पर्पज़ से की जाती है, स्टोन की या अदर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सारे मटेरियल्स की टेस्टिंग की जाती है, और टेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको टूल्स, मशीनरी, उसकी कंडीशंस, स्टैंडर्ड पैरामीटर जो भी होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, तभी आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आएंगे और स्टोन वहाँ पर बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स जो है हमारे पास टॉपिक। टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो स्टोन होता है उसके कई बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हार्डनेस टेस्ट, देन एसिड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, एब्जॉर्प्शन टेस्ट। आई होप कि आप ये सीन कर पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या आप देख रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, देन हार्डनेस टेस्ट। इतने ये टेस्टिंग होती है स्टोन की। इसके बाद और भी टेस्टिंग होती है जो होता है, जैसे एसिड टेस्ट, इसमें हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी हुआ। इसके बाद इम्पैक्ट टेस्टिंग होती है, एब्जॉर्प्शन टेस्टिंग होती है, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है। तो ये सारी की सारी जो टेस्टिंग करते हैं, ये एक अपने आप में स्टोन को प्रॉपर्टीज देखता है, उस स्टोन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, उस स्टोन की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। जैसे ही आपने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर लिया, जैसे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे, देन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि ये स्टोन मोर ड्यूरेबल है या नहीं। ये एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। ये जो जितनी भी हम टेस्टिंग पढ़ेंगे, वो खुद एक टेस्ट करने के बाद स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा। जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, तो बस हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि इसके यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज इसका यूजफुल है या नहीं। अब देखिए, इसमें करते क्या हैं। सबसे पहले जो स्टोन होता है, स्टोन वेरियस टाइप के स्टोन होते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, मार्बल, लेटराइट, कई सारे स्टोन्स होते हैं। आपके पास जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपने स्टोन को देखा, स्टोन को आपने लिया और आपने स्टोन को वहाँ से सिलेक्ट किया रैंडमली, और उस पर फिर उस साइट का नेचर क्या है, क्या नेचर है, किस टाइप, मतलब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है वहाँ पे। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हमें सबसे पहले, जैसे देखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये किया जाता है किसका, द ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ स्टोन टू रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। स्टोन की कैपेसिटी को चेक किया जाता है इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन बेस्ड पर, ये स्ट्रेंथ जो स्टोन है उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं।
अगर रहती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी, बहुत अच्छा स्टोन होता है वो। तो इस टाइप से आप ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जो फर्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट जो स्टोन का है उसको टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो वो पहला टेस्ट जो है वो है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में वो हम लोग यही चेक करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी या साउंडनेस टेस्ट। इस तरीके से पता कर लेते हैं कि है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी, ये जो कैपेसिटी है वो है या नहीं। इस तरीके से फिर हम उस स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट होता है वो होता है एसिड टेस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, बट ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, उन एरियाज़ में कई सारी फैक्ट्री होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं मटेरियल्स का या किसी भी चीज़ का, कई सारी केमिकल्स फैक्ट्री होती हैं। अब कई सारी केमिकल्स फैक्ट्री होती हैं और फैक्ट्रियाँ बनाई किसकी जाती हैं, स्टोन की। आप समझिए मेरी बात को, स्टोन की बनाई जाएंगी वो आप उस कंपनी में, जो कंपनी में केमिकल बनाया जा रहा है उस कंपनी का जो भी फ्लोर है या बॉल है या कोई भी अदर स्ट्रक्चर कंपोनेंट आपने किसका बना दिया, स्टोन का। और उस स्टोन के अंदर एसिड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, केमिकल रजिस्टिंग कैपेसिटी है ही नहीं, वो स्टोन क्या हो जाएगा, वहाँ से उसका करोजन होना, ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये बहुत हार्मफुल रहता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ आपको, जहाँ आप जो स्ट्रक्चर होता है, ये एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो भी इसके लिए काफ़ी यूजफुल रहती है। तो जहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो कॉन्टेक्ट टू स्ट्रक्चर है वो अगर केमिकल से होता है, केमिकल जो होता है अगर केमिकल से उसका कांटेक्ट होता है, केमिकल मीन्स जैसे कोई भी ऐसा कोई भी केमिकल्स हो सकता है, तो या फिर जो भी जैसे कई सारी केमिकल्स गैस होती हैं, कई सारे एसिडिक फॉर्म में गैस भी होती हैं, तो गैसेस का भी आपको वहाँ ध्यान रखना होता है कि जैसे अपने ग्वालियर में देखा जाए कि यहाँ पर कई सारे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, केमिकल्स के कांटेक्ट में है, या ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जिसमें एसिडिक एसिडिक गैसेस का इफेक्ट है, ऐसी जगह पे इस टेस्ट को परफॉर्म करना कंपलसरी हो जाता है। क्या बोला मैंने, ऐसी जगह पे एसिड टेस्ट परफॉर्म करना कंपलसरी हो जाता है और ऐसी जगह पे करना ही होता है एसिड टेस्ट। इसी टेस्ट को करने के लिए, जो एसिड टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि कुछ सैंपल्स लेने होते हैं जिनका हमें पहले केमिकली इफ़ेक्ट पता करना होता है, जो सैंपल हम वहाँ यूज करने वाले हैं, जिस स्टोन को हम लोग जहाँ जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल इफेक्ट के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर हमें बनाना है, उस स्ट्रक्चर में जो स्टोन यूज होना है उसी स्टोन को ही हम टेस्टिंग करेंगे, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट कहाँ किया जाता है, जहाँ एसिडिक एटमॉस्फियर हो या फिर एसिडिक गैसेस का इफेक्ट हो। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इंडस्ट्रियल का, कोई भी इंडस्ट्री है ऐसी जगह पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं कई सिटीज़ में, ऐसी जगह पे
तो एसिडिक टेस्ट जो जो एसिडिक एसिड टेस्ट होता है, उस टेस्ट में मैंने क्या बताया, सैंपल कहाँ से लिया जाता है, जिस साइट पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस साइट में जो स्टोन यूज हो रहा है उस स्टोन को लिया जाता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें करते क्या हैं कि 50 to 100 ग्राम, बिल्कुल मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले 50 to 100 ग्राम वेट के, मैंने मतलब एक समथिंग समथिंग समझ लीजिए 100 ग्राम, 50 to 100 मैंने बोला, लेकिन एक 100 स्टैंडर्ड 100 ले लेते हैं। 50 to 100 ग्राम वेट के स्टोन का जो सैंपल होगा उस सैंपल को ले लेते हैं सबसे पहले। अब उस सैंपल जो सैंपल 50 to 100 ग्राम लिया हम लोगों ने, उस सैंपल में क्या करते हैं, 1% उस सैंपल को 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड बताया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो 100 ग्राम वेट का सैंपल है स्टोन का, उस सैंपल को 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें डिप करके 1 वीक के लिए रख दिया जाता है। कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। मैंने क्या बताया, इस टेस्ट को आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में, कई जगह इंटरव्यूज़ में, आपको आगे चल के जहाँ भी आप जैसे जाएंगे तो मोस्टली प्रॉब्ली इसको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन रहता है कि ये जो ऐसे टेस्ट आप देख रहे हैं इस टेस्ट में की प्रोसेस क्या होती है, क्यों किया जाता है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि हम लोग ये देखेंगे कि ये टेस्ट करते कैसे हैं, किया क्यों जाता है, एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए 100 ग्राम सैंपल लिया स्टोन का, जहाँ जो स्टोन का आपको टेस्ट करना है उसी का लेना है, आपको किसी दूसरे का सैंपल ले लिया और दूसरा मटेरियल यूज करना है, क्या मीन्स निकलेगा उसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसके अंदर कि 50 to 100 ग्राम सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद जैसे ही सैंपल ले लेंगे उसको 1% का जो सॉल्यूशन होगा HCl का, उसको एक उसमें 1 वीक के लिए उस 100 ग्राम के वेट के सैंपल को डिप करके रख दिया जाता है। कब तक रख दिया जाता है, 1 वीक, 7 डेज। 7 डेज के बाद उसको निकाल के वो बहुत फाइन तरीके से, बहुत ही फाइन तरीके से हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस सैंपल को डुबाया था, डिप किया था 1 वीक के लिए, उस सैंपल को बाहर निकाला आफ्टर 7 डेज और उसका इन्वेस्टिगेशन किया। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर देखा उसको अच्छे से, देखा कि कोई कहीं से उसके अंदर किसी भी टाइप का, कोई भी एजेस या किसी भी टाइप का सरफेस, कोई भी उस स्पेसिमेन का जो स्पेसिमेन हम लोगों ने उसके अंदर डिप किया था, उस स्पेसिनेस में किसी भी टाइप का कहीं से ब्रेक तो या मतलब क्रोजन तो नहीं हुआ है, क्षरण, अब किसी भी टाइप की उसमें जैसे ऐसा नहीं होता छोटे छोटे बारीक बारीक टाइप के, जैसे एसिड में था वो, तो अब एसिड में होगा तो अगर एसिड इफेक्ट उस पर पड़ता तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल उस टाइप से उसका करोजन टाइप का हो जाता, तो वो तो नहीं हुआ है। अगर वो नहीं हुआ है तो जो स्टोन आप यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यू करने दीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे टेस्ट आपने उस पर कर लिया, उस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं है, उसके एजेस वगैरह प्रॉपर हैं जैसे पहले थे। अगर एजेस वगैरह ऐसे हो जाते हैं कि उसमें देखा आपने कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते, तो फिर उस स्टोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड का इफेक्ट पड़ रहा है।
तो ये चीज़ ऐसे टेस्ट के अंदर होती है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यह जो जो टेस्ट है, ये टेस्ट मोस्टली लाइम स्टोन जो होता है, लाइम स्टोन पर किया जाता है। ये नोट कर लीजिए आप, जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन पर एसिड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर चांसेस होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, एसिड टेस्ट। देन नेक्स्ट आता है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। स्मिथ टेस्ट जो होता है वो किया जाता है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मीन क्या है, कोई ऐसा नहीं है, क्या मीनिंग्स है इसका, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका आपको रियल इमेजिनेशन होना चाहिए कि इसका साइट से ये रिलेशन होता है। जैसे अभी एसिड टेस्ट पढ़ा हम लोगों ने, एसिड टेस्ट का पता है कि अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो केमिकल की, एसिडिक कंडीशन में उस पर इफेक्ट आ रहा हो या गैसेस का, तो उस स्टोन से आप अगर उस बिल्डिंग को बनाएंगे, उस पर एसिड का इफेक्ट जब आएगा तो उसके अंदर वो हार्मफुल होगा, करोजन हो जाएगा, पूरा स्टोन ब्रेक हो के नीचे पूरा आ जाएगा, पूरा स्टोन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एसिड टेस्ट करना कंपलसरी होता है। ये चीज़ समझना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रियल एप्लीकेशन क्या है। आप जैसे ही रियल लाइफ में जाएंगे आफ्टर बीटेक, तो आपको इन्हीं चीज़ों से रूबरू होना है, इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड रहना है, इन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन देखना है, इन्हीं चीज़ों से जो भी है पूरा का पूरा रिलेट इन्हीं से करना है अपन को अपने आप से। तो स्मिथ टेस्ट और एसिड टेस्ट केमिकल इफेक्ट से, और स्मिथ टेस्ट किया जाता है, जो स्मिथ टेस्ट होता है वो किया जाता है कि कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन है, वो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बढ़िया, बिल्कुल एकदम बहुत अट्रैक्टिव, बट उसके अंदर जो टेक्सचर है उसमें कुछ सॉल्यूबल मैटर हैं, इम्प्योरिटीज है उसके अंदर, पता चला उसके अंदर मिट्टी से बना हुआ है वो स्टोन, कुछ सॉइल के पार्टिकल्स हैं या कुछ होल्स हैं, उस होल्स में और कोई मटेरियल्स भरा हुआ है, ऊपर से तो बढ़िया दिख रहा है, बहुत स्मूथ। तो ये चीज़ पता करने के लिए कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, बट टेक्सचर क्या होता है कि उसका जो अंदर का टेक्सचर होता है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जब वो दिखाई नहीं देती हैं तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम लोग तो सिविल इंजीनियर हैं तो टेस्टिंग तो पहले ही चलती है, तो टेस्टिंग तो करनी ही होगी अपन लोगों को, तो क्या करते हैं, टेस्टिंग करनी होती है वहाँ। स्मिथ टेस्ट, जिसे स्मिथ टेस्ट बोलते हैं, इसमें इस स्मिथ टेस्ट के अंदर करते क्या हैं अपन लोग कि स्टोन्स के क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पीस लिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस, उन छोटे छोटे पीसेस को बिल्कुल क्लीन एक उसमें जो वाटर होता है, वाटर के अंदर बिल्कुल जैसे देखा जाए क्लीन वाटर, जिसे हम अगर एक तरीके से बोलें तो एक ट्यूब होता है, उसमें बिल्कुल क्लीन वाटर में इन छोटे छोटे पीसेस को डाल दिया जाता है। बिल्कुल समझना मेरी बात को, एक ट्यूब में वाटर भरा बिल्कुल प्योर क्लीन वाटर, और ये छोटे छोटे पीस किए उस स्टोन के और उसमें डाल दिए, देन उसको सेक किया जाता है हाई इंटेंसिटी से। जो ट्यूब है उसको सेक किया जाता है, हिलाया जाएगा उसको, जैसे ही सेक किया जाएगा तो अगर इसके अंदर जो सॉल्यूबल मैटर हैं, जो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, वो मैटर क्या हो जाएंगे, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, बिकॉज उसका जो कलर होगा पानी का वो क्लीन था वाटर, वो वाटर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा।
तो आप उसमें समझ जाएंगे कि ये केवल ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है, इसके अंदर का टेक्सचर जो है इसमें इम्प्योरिटीज हैं, सोल्यूबल मैटर हैं, तो हम इसको अच्छे कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से यूज नहीं करेंगे। दिस इज स्मिथ टेस्ट, ये चीज़ होती है स्मिथ टेस्ट के अंदर, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको ये चीज़ देखना है, स्टोन है, एक नेचुरल मटेरियल होता है, जनरली आर्टिफिशियल स्टोन्स भी कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है वो अपन आर्टिफिशियली बनाते हैं, बट स्टोन तो नेचुरली जो होते हैं जनरली वो मिलते हैं, तो स्टोन नेचुरली है, वो कैसे बना है हमें पता नहीं है, अब ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, बट इसमें टेस्ट के जरिए हम पता कर लेते हैं कि ये इसके अंदर सोल्यूबल मैटर हैं या नहीं। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के सोल्यूबल मैटर जो होते हैं उनका पता करने के लिए कौन से टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप से हार्डनेस टेस्ट होता है, स्क्रैच किया जाता है स्टोन को नाइफ वगैरह से, जो इस तरीके से, तो हम उसका हार्डनेस पता कर लेते हैं, इस प्रॉपर हार्डनेस है उसके अंदर या नहीं। देखिए इस तरीके से ये हार्डनेस इस तरीके से पता की जाती है, उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टीज जो स्टोन की होती है। एंड सम क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस यहाँ पे एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रखे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल रिलेटेड टू टॉपिक हैं, और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल, अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुना होगा, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उन लेक्चर्स में भी आपने अच्छे से अटेंड किए होंगे, इस लेक्चर को सुना होगा और समझा होगा। सुनने बस से काम नहीं होता है, समझना भी है अपन लोगों को, तो कि जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियरली एक तरीके से देखा जाए, तो एक के प्रैक्टिकली इमेजिनेशन के साथ बताऊँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसे ही आपको प्रैक्टिकल इमेजिनेशन उस चीज़ का हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है फिर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है अभी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रीवियस स्लाइड थी, यहाँ पर इसके आप यहाँ देख रहे हैं इसको, अब हार्डनेस कैसे पता, हार्डनेस को हमने नाइफ ली, नाइफ से स्क्रैच करते हैं जो स्टोन है, स्क्रैच किया, स्क्रैच करने पर अगर वो स्क्रैच हो गया, हार्डनेस नहीं है, प्रॉपर हार्डनेस उसमें है ही नहीं। हार्डनेस के और भी टेस्ट जो टेस्ट होते हैं, एक डोरी टेस्टिंग मशीन भी होती है, उससे भी हार्डनेस फाइंड आउट हो जाती है डोरी टेस्टिंग मशीन से। यहाँ पर हार्डनेस हम नाइफ से करके और जो स्केल दे रखी है, स्केल से हम उसको मेजर कर लेते हैं, और मेजर करने के बाद हम उसका प्रॉपर हार्डनेस पता कर लेते हैं इसी तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि स्टोन है और इसके साथ ये नाइफ है, इस तरीके से स्क्रैच हो रहा है, हम इसको देख पा रहे हैं, प्रॉपर विजिबल कर पा रहे हैं। इसी तरीके से मेरा रहता है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली जो रहता है उसको बताऊं। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ये टास्क है आप लोगों के लिए। फिर जो रेफरेंसेस इसमें यूज किए गए हैं, जो आप देख रहे हैं वो रेफरेंसेस जो एसके दुग्गल बिल्डिंग मटेरियल्स की बुक है, देन आपकी जो इंजीनियरिंग मटेरियल एससी रंगवाला एंड कुछ वेबसाइट्स का यूज किया गया है, तो ये टेस्टिंग है। इसके बाद हम लोग जो भी नेक्स्ट इसके आगे जो और भी टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग को हम लोग इसका जो सेकंड लेक्चर होगा, टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स का लेक्चर सेकंड, ये लेक्चर फर्स्ट था, टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स का लेक्चर जो सेकंड होगा, उस लेक्चर के अंदर आप क्या करेंगे,
जो भी रिमेनिंग टेस्ट बची जो रह गए हैं, जैसे अभी एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, कर्सिंग टेस्ट है, ये सारे टेस्ट अभी रह गए हैं स्टोन के, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इन टेस्ट को हम लोग जो टेस्टिंग ऑफ स्टोन का लेक्चर सेकंड है, मतलब जो सेकंड पार्ट होगा, आई मीन क्योंकि लेक्चर 7 के अंदर चीज़ कवर होगी ये, बट टेस्ट ऑफ स्टोन का जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम लोग जो भी अदर टेस्ट रह गए हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।